नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डैनपी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डैनपी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डैनपी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डैनपी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डैनपी टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। डैनपी टैबलेट का उपयोग दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो डैनपी टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। इसके अलावा डैनपी टैबलेट का उपयोग सिर दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में डैनपी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द और जोड़ों की सूजन को कम करने के लिए भी डैनपी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि डैनपी टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। डैनपी टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर डैनपी टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही डैनपी टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। डैनपी टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए डैनपी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना डैनपी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डैनपी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डैनपी टैबलेट के सामान्य साइड इफेक्ट्स में बदहजमी, पेट में दर्द, पेट में जलन, कब्ज, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक डैनपी टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या ज्यादा खुराक में डैनपी टैबलेट को लेने से पेट में ब्लीडिंग, पेट में अल्सर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन होने पर पेट या आंतों के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और लंबे समय तक डैनपी टैबलेट का सेवन करने से दिल का दौरा और लकवा लगने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आप डैनपी टैबलेट का सेवन कभी कभार करते हैं तो ऐसे में ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप डैनपी टैबलेट को दिन में कई बार या ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ऐसी स्थिति में डैनपी टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डैनपी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डैनपी टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर डैनपी टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना डैनपी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डैनपी टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को डैनपी टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं डैनपी टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए डैनपी टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनके लिए भी डैनपी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डैनपी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डैनपी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डैनपी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।